जय माता दी बंधुओं, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में जो बनाया गया है मिथुन राशि के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2020 के लिए। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन दिनों आपके साथ क्या घटनाएं होंगी, कुछ अच्छी घटनाएं होंगी और कुछ बुरी। बुरी घटनाओं से बचने के लिए वीडियो के आखिर में हमने आपको कुछ उपाय और सुझाव भी दिए हैं, जिसे करने से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इस पूरे वीडियो में हमने आपको आपके व्यापार, जॉब, शिक्षा, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य के बारे में बताया है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम आपको बताते हैं वित्तीय राशिफल के बारे में। 2020 के इन महीनों में मिथुन राशि के जातक व जातिकाओं को अपने धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए कुछ नए प्रयासों को सक्रिय करने की जरूरत रहेगी। आप अपने काम के घंटों में और बढ़ाकर अधिक धन कमाने की फिराक पर रहेंगे। हालांकि इससे आपके आराम व काम का क्रम कुछ कम फिट रहेगा, जिससे कोई घबराने की जरूरत नहीं रहेगी, अर्थात लाभ की स्थिति कठिन परिश्रम के बाद बनी हुई रहेगी। विक्रय व उत्पादन के क्षेत्रों तथा संबंधित क्षेत्रों के व्यापारियों को वर्ष 2020 के नए महीनों में और प्रगति हेतु कुछ मशीनरी उपकरणों, संयंत्रों को जोड़ने की जरूरत रहेगी। कुछ और लोगों को काम के लिए तैयार करना पड़ सकता है। हालांकि पाप ग्रह प्रभाव आपके व्यय की स्थिति को और बढ़ाने वाला रहेगा, अर्थात नए वर्ष के इन महीनों में आपकी आमदनी तो रहेगी किंतु बढ़ते हुए व्यय भार से आपको परेशानी होने लगेगी, जिसे आप उत्तेजना के स्तर तक पहुंचा सकते हैं। अतः सावधानी से ही कोई आर्थिक निर्णय लें, अन्यथा हानि की स्थिति बनी हुई रहेगी, जिससे आप परेशान होते रहेंगे। अब हम बात करते हैं प्रेम संबंध के बारे में। वर्ष 2020 में मिथुन राशि के जातक व जातिकाएं अपने सगे संबंधियों के किसी आमंत्रण में जाकर अपनी सक्रियता को प्रदर्शित करने वाले रहेंगे, जिससे उनके विश्वास को जीता जा सके और रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाया जाए। हालांकि आपके सहयोग की संबंधियों के द्वारा सराहना भी रहेगी, जिससे आप खुश रहेंगे, किंतु घर परिवार का कोई सदस्य आपको उग्र करने की बात कह सकता है, जिससे आपको उन्हें आईना दिखाना पड़ सकता है, जिससे हकीकत उनके सामने प्रकट होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। हालांकि प्रेम संबंधों में साथी के साथ नवयुवकों को कभी खुशी और कभी गम वाली स्थिति बनी हुई रहेगी, क्योंकि आपके प्रेम भावगत कभी शुभ व कभी पापी ग्रही प्रभाव बना हुआ रहेगा, जिससे साथी के साथ कई तरह की परेशानियां रहेंगी। आपका सूचना संवाद एकाएक रुकने की स्थिति में आ सकता है, हालांकि शुभ ग्रह प्रभाव से पुनः इसके चलने के आसार बने हुए रहेंगे। अर्थात वर्ष 2020 में मिथुन राशि वालों को प्रेम व संबंधों में विवेक से काम लेने की जरूरत बनी हुई रहेगी। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। 2020 मिथुन राशि के जातक व जातिकाओं की सेहत सामान्य रूप से अच्छी रहेगी। हालांकि इस वर्ष के इन महीनों में इस राशि में राहु का पाप जनित संबंध कई बार आपके सेहत में पीड़ाकारी भी रहेगा, जिससे आपके मन में भ्रांति व संदेहों की स्थिति रहेगी। आप अपने नियमित व्यायामों को छोड़ सकते हैं और खान पान के प्रति संगत बस लापरवाही की स्थिति लाते रहेंगे, जिससे सेहत में कमजोरी व बीमारी पनपने के आसार बने हुए रहेंगे। हालांकि शुभ ग्रह प्रभाव से जल्द ही स्थिति को संभालने की चेष्टा में रहेंगे, जिससे आपकी सेहत में कोई विपरीत असर नहीं होगा, अतः बीमारी आएगी तो ठीक भी होगी, किंतु इलाज से अच्छा बचाव को सही माना जाता है, इसीलिए आप बिना डरे हुए सेहत के मानदंडों को अपनाकर आगे बढ़ेंगे तो कोई बड़ी हानि नहीं रहेगी। वैसे कार्य की थकान व मानसिक परिश्रम के कारण आपको कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है, अतः कार्मिक संतुलन को अपना ठीक रहेगा। अब हम बात करते हैं शिक्षा एवं ज्ञान राशिफल के बारे में। 2020 के इन महीनों में मिथुन राशि के जातक व जातिकाओं को अज्ञान के तंग को दूर करने का अभियान छेड़े हुए रहेंगे। वर्ष 2020 के इन महीनों को अध्ययन व अध्यापन के लिए परम कल्याणकारी बनाने हेतु आपको शिक्षा व ज्ञान के क्षेत्रों में और सक्रिय होने की जरूरत बनी हुई रहेगी। विद्यार्थियों को अपने अध्ययन व्रत का पालन बड़ी ईमानदारी के साथ करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आपके ज्ञान व शिक्षा के कारक श्री शुक्र ग्रह है, जो आपको आगे बढ़ने के बढ़िया संकेत दे रहे हैं। हालांकि आत्मविश्वास व उत्साह हेतु आपको स्वयं ज्ञान निखारने के लिए आगे आना रहेगा, क्योंकि विद्या भावगत शनि का पाप ग्रह प्रभाव होने से कुछ ऐसी स्थितियां बनी हुई रहेंगी कि आप आलस्य व प्रमाद के शिकार हो सकते हैं और वांछित लक्ष्य से बहुत ही पीछे छूटते रहेंगे। अतः शिक्षा व ज्ञान के क्षेत्रों में आपको वास्तव में मन से प्रयास करने की जरूरत वर्ष 2020 के इन माहों में बनी हुई रहेगी। अब हम बात करते हैं कैरियर व व्यवसाय के बारे में। 2020 के इन महीनों में मिथुन राशि के जातक व जातिकाओं को प्रबंधन, कला, चिकित्सा, विपणन,
तकनीक आदि के संबंधित क्षेत्रों में अपने करियर को सफलता के स्तर तक पहुंचाने हेतु पहले से अधिक सतर्क व जागरूक होने की जरूरत रहेगी। आप अपने व्यापारिक जीवन की नींव को और मजबूत बनाने में लगे रहेंगे। अपने अनुभवों का हवाला देकर आप किसी जिज्ञासु व्यक्ति को अपनी कार्मिक दक्षताओं के संकेत बातों ही बातों में देते रहेंगे। वैसे कर्मेश अष्टम भावगत होकर आपसे अधिक मेहनत करवाने के संकेत देता रहेगा। आपको इस दौरान किसी बाहर की यात्रा में जाने की उम्मीदें बढ़ती जाएंगी। हालांकि यात्रा के दौरान आप तय समय में कामों को पूरा करने के प्रयास में रहेंगे, जिससे आगे योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सकेगा। वर्ष 2020 के इन महीनों में मिथुन राशि के जातकों को सैन्य, सुरक्षा, कानून, राजनीति के क्षेत्रों में बढ़त हेतु अच्छी खासी मेहनत की जरूरत रहेगी। ऐसा भी संभव है कि वह मेहनत संघर्ष में तब्दील होकर आपके लिए कठिनाई खड़ी कर सकती है। अब हम बात करते हैं उपयोगी उपाय एवं सुझावों के बारे में। वर्ष 2020 के महीनों में मिथुन राशि के जातकों जातिकाओं को करियर, व्यवसाय, राजनीतिक, शिक्षा, आर्थिक ज्ञान, परिवार, धन, सेहत को संवारने तथा ग्रह नक्षत्र के दुष्प्रभावों से बचने के लिए अनुपम अनुभूत उपायों को यहाँ हम बता रहे हैं, जो सरल व साध्य तथा उपयोगी रहेंगे, क्योंकि अनुभूति प्रयोगों द्वारा जो हितकारी व प्रभावी रहे हैं उन्हीं उपायों को यहाँ हम बता रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने इनके सकारात्मक प्रयोगों का असर देखा है। श्री यंत्र सिद्ध किया हुआ घर में रखना चाहिए, शनि यंत्र रखना चाहिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनिवार के दिन तिल का दान देना चाहिए। 2020 के इन महीनों में मिथुन राशि के जातक व जातिकाओं को अपने धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए कुछ नए प्रयासों को सक्रिय करने की जरूरत रहेगी। आप अपने काम के घंटों में और बढ़ाकर अधिक धन कमाने की फिराक में रहेंगे। हालांकि इससे आपके आराम व काम का क्रम कुछ कम फिट रहेगा, जिससे कोई घबराने की जरूरत नहीं रहेगी, अर्थात लाभ की स्थिति कठिन परिश्रम के बाद बनी हुई रहेगी। विक्रय व उत्पादन के क्षेत्रों तथा संबंधित क्षेत्रों के व्यापारियों को वर्ष 2020 के नए महीनों में और प्रगति हेतु कुछ मशीनरी उपकरणों, संयंत्रों को जोड़ने की जरूरत रहेगी। कुछ और लोगों को काम के लिए तैयार करना पड़ सकता है। हालांकि पाप ग्रह प्रभाव आपके व्यय की स्थिति को और बढ़ाने वाला रहेगा, अर्थात नए वर्ष के इन महीनों में आपकी आमदनी तो रहेगी किंतु बढ़ते हुए व्यय भार से आपको परेशानी होने लगेगी, जिसे आप उत्तेजना के स्तर तक पहुंचा सकते हैं। अतः सावधानी से ही कोई आर्थिक निर्णय लें, अन्यथा हानि की स्थिति बनी हुई रहेगी, जिससे आप परेशान होते रहेंगे। अब हम बात करते हैं प्रेम संबंध के बारे में। कुछ और लोगों को काम के लिए तैयार करना पड़ सकता है। हालांकि पाप ग्रह प्रभाव आपके व्यय की स्थिति को और बढ़ाने वाला रहेगा, अर्थात नए वर्ष के इन महीनों में आपकी आमदनी तो रहेगी किंतु बढ़ते हुए व्यय भार से आपको परेशानी होने लगेगी, जिसे आप उत्तेजना के स्तर तक पहुंचा सकते हैं। अतः सावधानी से ही कोई आर्थिक निर्णय लें, अन्यथा हानि की स्थिति बनी हुई रहेगी, जिससे आप परेशान होते रहेंगे। वर्ष 2020 में मिथुन राशि के जातक व जातिकाएं अपने सगे संबंधियों के किसी आमंत्रण में जाकर अपनी सक्रियता को प्रदर्शित करने वाले रहेंगे, जिससे उनके विश्वास को जीता जा सके और रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाया जाए। हालांकि आपके सहयोग की संबंधियों के द्वारा सराहना भी रहेगी, जिससे आप खुश रहेंगे, किंतु घर परिवार का कोई सदस्य आपको उग्र करने की बात कह सकता है, जिससे आपको उन्हें आईना दिखाना पड़ सकता है, जिससे हकीकत उनके सामने प्रकट होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। हालांकि प्रेम संबंधों में साथी के साथ नवयुवकों को कभी खुशी और कभी गम वाली स्थिति बनी हुई रहेगी। बंधुओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन कि आपने ये वीडियो पूरा आखिर तक देखा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल देसी भक्ति को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।